आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिंह। गिरिडीह में कुएं में तैरती मिली दो बच्चों संग विवाहिता का शव। वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण एवं विकास पर सम्मेलन में बोले रघुवर दास, नौकरशाही के जरिए नहीं बल्कि जनता के जरिए गांव-गांव तक पहुंचेगा विकास। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि हवा हवाई नेताओं की कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं। पूर्व डिप्टी मेयर अजय नाथ शाहदेव ने कांग्रेस का दामन थामा। अब खबर विस्तार से। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित दिघी पंचायत के गंबारडी में एक विवाहिता का दो बच्चों के साथ शव खेत के कुएं में तैरते हुए पाया गया। कुएं में तीन शव एक साथ होने की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार और देवरी थाना प्रभारी सुनीत कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला गया और पड़ताल शुरू कर दी गई। शव की पहचान गंबारडी गांव के राकेश राय की पत्नी सोनी देवी और उसके 4 वर्षीय बेटी मरु कुमारी और 1 वर्षीय पुत्र ललन कुमार के रूप में की गई है। वनों एवं वन प्राणियों के संरक्षण एवं विकास पर सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक वन संपदा है। लोगों की बनाई चीजें सरकार खरीद सकती है, जिससे गांव में बैठे बैठे लोग पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ नौकरशाही के भरोसे नहीं बल्कि जनता के जरिए अब गांव-गांव तक विकास पहुंचेगा। सरकार जनता के लिए एक पैर पर खड़ी है। मैं बेहद गरीब परिवार से आता हूं, मैंने गरीबी देखी है, गरीब की वेदना समझता हूं। इसलिए इस अमीर राज्य की गोद में जो गरीबी बसती है उसे हमें खत्म करना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने आज साफ कह दिया कि हवा हवाई नेताओं के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। पार्टी का एकमात्र मापदंड है काम। काम करने वालों को पार्टी में जगह मिलेगी। पार्टी में रहना है तो कांग्रेस की नीतियों पर काम करना होगा। चेहरा चमकाने के लिए पार्टी नहीं है, ऐसे लोग अपना रास्ता तलाश सकते हैं। कोई यह सोचता है कि पैरवी के बल पर वह पार्टी में जगह बना लेगा तो गलत सोच रहा है। किसी की पैरवी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का वह पूरा प्रयास कर रहे हैं। रांची के पूर्व डिप्टी मेयर अजय नाथ शाहदेव ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि आज वह अपने घर में वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ना उनकी भूल थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि अजय नाथ शाहदेव के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। अब तक की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और इंतजार करिए आजाद सिपाही खबर विशेष का राकेश सिंह के साथ। धन्यवाद।